से ही पैदा हुआ हूँ, यही प्यार किया, यही परवरिश पाई है, जाना भी इसी जमीन में, प्यारी चीज है, क्योंकि सिंध की धरती प्यारी धरती है। हमने रखा है पान लगाकर चूना, जिसको देना हल्का सा लगाकर चूना। हमने जिस शख्स को पान की आदत डाली, ऐसा भागा वो हमी को लगाकर चूना। पान वाले की तरक्की, पान खाने वाला क्या बोलता है। इस जमाने में हमने भी तरक्की की है, पहले खाते थे मीठा, अब डबल पत्ती चूना। लेकिन जो बुरा होता है उसके अंदर भी इंसान होता है, क्योंकि जो बुरा होता है उसके अंदर भी भला होता है। मुंह जो काटे बुरा, कीड़ा काटे तो दवा चूना। बावर्ची कहता है कि हाँ, एक बावर्ची उस जमाने में रह गया, मैं दूसरों की देख चलाने में रह गया। घर गया तो घर में मेरे दाल पकी थी, लोगों के घर का कोरमा पकाने में रह गया। तो यही हमारे साथ हुआ, हम दूसरों को बनाने, हम भी बने, अल्लाह हमारी भी एक दिन जरूर खुलेगा। काम यहाँ ऐसा ऐसा खुल ले आऊ, और बगैर खुले काम नहीं हो रहा, यकीन जानिए मजा आ जाएगा। और नौजवान जो है ये बड़े प्यारे होते हैं, जब ये जवान होता है, नौजवान खास तौर पे हमारा, तो ये ख्वाब देखता है कि मेरी जिंदगी में को माधुरी आएगी। माधुरी नहीं आती, उधूरी मिलती है। ना श्री देवी मिलेगी बल्कि श्री पाए मिलेगी, जूही चावला नहीं मिलेगी, कार की बिरयानी मिलेगी। तो सब ये मोटी मोटी बोटियां और जो हाथ में भी ना आए, भाई कुछ भी कर लो मिलेगा खानदानी पीपा। हम लोग ऐसे ख्वाब देखते, श्री देवी आए, माधुरी आए, सब देखा रहे बाबू, असल वही मिलेगी चंद्रात को भी रात। तो 15-20 साल से भाईजान भाईजान, उसके बाद दूल्हा भाई। हम बड़े बड़े शरण देगा मना, ये तो हमारी जिंदगी है बाबू, हम क्या करें, क्योंकि हम तो बैल है, इधर से खोला इधर मान दिए। वो यूरोप अमेरिका में तो कहता आई लव यू, बोला मुझे नहीं है, घर लगा फिर मैक्सिको नहीं ठीक है, और हम तो इसमें गिरफ्तार है। जब लड़का जवान होता है तो ख्वाब देखता है और वो निगाहें मिला देता है, और हमारे यहाँ जो यूरोप अमेरिका में फास्ट है, हमारे इश्क आंखों से लड़की खिड़की में लड़का ख्वार घूम रहा है, पता नहीं अब्बा खड़ा लड़की खड़ी। एक तो बाप बेटी की शक्ल बड़ी मिलती है बाबू, वही नकूशादारी की कमाल से लाइन दे रहा है, अब अंदाजा लगाइए। और वो आंखों में आंखें डाल के कहता है रोमांच से, मोहब्बत से, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, भूल जाता उसमें मोतिया नहीं उतरेगा। बोलता हाँ फंसती है तो गाल में गड्ढे पड़ते। मैं कहा बेटा 50 साल की होगी बिल्कुल ही बिछड़ जाएंगे गड्ढे, वो जमाना याद करो। लेकिन वो क्या हीरो है, शादी में ही हीरो कहता है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम। आए हीरो शादी के 2 साल के बाद एक हाथ से बच्चा पकड़ा, एक हाथ से पतलून पकड़ा। वो बेगम को तो कुछ नहीं हुआ, शोर में निकल लिया, अल्लाह जानता बराबर का हो रहा माँ का। बोला हुआ कहाँ, अब होने वाला है, क्या करे, एक हाथ से बच्चा, एक हाथ से पतलून है, बच्चा छोड़े पतलून गिरे, पतलून छोड़े बच्चा गिरे, बालन बच्चा नहीं छोड़ता, गिरे तो गिरे। और 4 साल बाद हीरो कहता है तुम्हें अपना बनाने की सजा पाई है, पाई है। कुंडली में और कोई काम ही नहीं हो रहा, तादारी बढ़ी जा रही है। आगे देखा मैं एकदम बनी से उधरा बच्चे बच्चे, मैंने कहा चाचा ऐसा ही बड़े बच्चे हैं, कहा सब अपने घर के भाई, अरे मैंने कहा चाचा कोई और काम नहीं है तुम्हें, तो ये तो आवाज है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए हमारा नौजवान है, हीरो कह रहा है अरे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना, ओ धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे भाई। हीरो एक्शन बाजी कर रहा है, शादी के 4 साल के बाद पाए जाओ पर हाथ में बाल्टी, धीरे धीरे पानी भर के आए, धीरे धीरे आए, धीरे धीरे पानी भर के लाना है, मुन्ने का पोतरा धुला, आशिक का अंजाम कुत्ते की मौत। आखिर में बदबू भी नहीं आती बाबू, ये काम है इश्क, अब जब इसका अंजाम ये तो रोक रहा है, कर फिर बुलाया काम, यकीन जानिए हीरो बन जाता है। और उसके बाद नई नई शादी होती है तो छत पर, मैं भी बीवी को छत पर देखे,
मैंने कहा जानी तारे दिखाओ कि भाई शुरू शुरू में मुझे कह रही थी सरताज जानू एक साल होता जानू, उसके बाद जानू जर्मन एक साल तक जानू और दूसरे साल उठा नेस्टी कम बहुत हमारे रात भर कुफी पी गया सो रहा बोल लगे बाबू मिल नहीं रही पाकिस्तानी भी है यकीन जाने ये अच्छा होता घर में इज्जत नहीं होती। अंजाम ये है छत पे ले गया मैंने भी खूबसूरती से कहा वो कह रही सरताज बोला आज चांद नहीं निकला बोले कसम खुदा जी आप ही चांद है आप ही चांदनी है अरे चांद भी देखे तो शाम आ जाए आप किसी चांद से कम है आप ही चांदनी एक ही साल गुजरा सरताज चांद नहीं निकला बोले यही सोच रहे हो उबे निकलने का लगा तो था मुझे तो बुरा वाला लग रहा है बाबू एक साल और सरताज चांद नहीं निकला बोले काले बाद लोग फंसा हुआ है एक साल और सरताज चांद नहीं निकला बोला ये निकला ये देख एक उम्र आती बुढ़ापा बुढ़ापे में मोहब्बत बढ़ जाती है प्यार बढ़ जाता है क्योंकि बुढ़ापे में प्यार ही हो सकता है बाबू क्योंकि राशन तो अपना रहता नहीं कंपनी कहती है आज तुम क्यों हो राजू के दादा आज चांद नहीं निकला बोले अब मुझे मिलेगी तो क्या फायदा जो बेच देते दवाई की दुकान हम नहीं बढ़ा रहे बिक गई बिक जाती है जवानी दीवानी होती है वो शुरू शुरू के लम्हात होते हैं प्यारे प्यारे लम्हात होते हैं उसके बाद फिर बच्चे होते हैं। हाय बच्चे कितने प्यारे होते हैं बच्चे दो किसी बच्चे बड़े प्यारे और हमारे माशाल्लाह जैसे कि पहला बच्चा जो होता है वो मोहब्बत से लबरेज होता है नई नई शादी पहला बच्चा होता है लबरेज लड़ते भी जा रहे हैं एक दूसरे को बैठे देख रहे कमरा एक ही है तेरी नाक गिर रही है तेरी नाक गिर रही है आपस में लड़ मेरी खुदा की छोटे छोटे मकान है तो दूसरा देखिए आप पहला बच्चा वुमन जिसका वो गोरा हो दूसरा सांवला फिर उसके बाद काले काले होने शुरू हो रहे क्योंकि वो तबीश में झगड़े में काले लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक खाए मतलब एंटीबायोटिक नहीं है तबीश का काला है पहला बच्चा तो बाप खुश मुबारक हो अल्लाह वर्ष भी बहुत लंबा हुआ दूसरा वो हल्का बल के रहो काले तो हो गए तीसरा वो जलेबी खा ले और चौथा वो मर बता से खा पांचवा वो यू खड़ा हुआ मुबारक हो पाएंगे भैया आप क्या बच्चा हुआ भला खुद ही हो रहा है भला मिठाई की सारी है मेरा बाप हलवाई है क्या भैया अब बता लाइन लगेगी मिठाई की टिकराएगा वो पहला बच्चा बच्चा एक बड़ा प्यारा ना 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 ये बच्चे अरे बच्चे इनकी गलती नहीं अब्बा की भाई की एक बड़ा पेश अब्बा है रुपया गया भला नहीं है मेरा भाई है इसी तरह से करेक्टर है बुड्ढे इधर भी होंगे बुड्ढे हर जगह मिलेंगे तीन किस्म के बुड्ढे एक तो था छोड़ू बुड्ढा अब तुम क्या खाओगे जो हमने खाया अब रुपए का चार शेर खाया हमारे जमाने में असली से मैं शेर के मुंह मार डाला हाथ निकल लंबी छोड़े हंगामा चौथ पे बाथरूम से निकला बोला बड़ा खून खराब हो रहा भाई चाचा भी तो बाथरूम से आ रहा खून खराब होकर रख दिया कर लेगा शिकारन को चल रही है बाबू एक होता बुड्ढा पंगे वाले वो सिर्फ पंगे डाले ये शादी नहीं होगी मेरा नाम पूरा भी नहीं तकरी बोले खाना रखा सुन गए खाना यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा अबे चाचा पंगा क्यों डाल रहा भाई एक बुड्ढा जो आजकल ज्यादा ताड़ू है कोई गुजर जाए छन की आज हड्डी और जो चबाता वहां चाचा सारे खा जा रहा था आओ 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 यहाँ और लड़की को देखते बुड्ढा मर जाएगा क्या लग रहा हूँ जान लड़की आओ आओ वैसे वो टाइम में जी रहे हैं आ जाओ ना आखिरी जमाती अच्छे कर दो आओ रोज खंभे के बाद खड़े रहते कभी तो तन मारोगी थैंक यू खाया हुआ आधा सैंडविच मैं कह ये कौन सी जिंदगी चक मारेगी भाई ये गाने अजी तू प्यार है किसी और का तुझे तार का कोई और है तुझे हाथ है किसी और का तुझे और का कोई और है मेरे लड़का मुझे से कह रहा मेरी वालिदा ये तो गानों की सुनी साहब ने कमाल कर दिया भाई क्या कहता है जबरदस्त बात की आप सोचे कंसीव करे जवाब इसके
ये टूटा आई लग दिल खुद कर। मैंने कहा गफ्फार भाई क्या मतलब निकाल लिया आपने? बोला कैसी जबरदस्त बात है, तू तक तू दिया आई लव यू, जो प्यार करे मोहब्बत करे वो सबसे बड़ा तू तक तू दिया। भाई खूब निकाला मतलब आपने, जवाब दिया आपका। ये पोजिशन पुराने जमाने के गाने तो होते रहेंगे। दो आवाजों की फरमाइश है भाई आपसे, सदर पाकिस्तान मरहूम जनरल जियाउल हक और गुरान शाह खान साहब। तालियां यार, वो जरा सा थोड़ा कैमरे के हाथ लगा रखे थे। माजी की बातें हैं, 2 साल की पाबंदी थी मार्शल की, एक चिड़ी हुई थोड़ी थोड़ी बात। हमारे मुल्क में जमहूरियत बहुत कम रही है, जमहूरियत मार्शल लगा रही है, खाकी वर्दी की हुकूमत रही। इसलिए कि अल्लामा ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, अल्लामा कह गए ये खाकी अपनी फितरत में ननूरी है ना। तो वो साफ पाबंदी लग गई 2 साल तक स्टेज पे, यह था के दौर में। लेकिन वो बात ऐसी थी फिर बाद में कि भाई किसी की नकल उतारना कोई इतनी बुरी चीज नहीं, तो नकल असल नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इंशाल्लाह पाकिस्तान में शान कायम होगा, यकीन जाए बड़ी खुशी का मौका है। और तमाम खौत नजरात मौजूदा गुजारिश, पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर, यकीन जानी दिस द कॉन्शियस ऑफ इस्लाम, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने कोई जगह दूंगी दिल के बारे में एक बोला ना, बोला अरे ऐसा बेटा अल्फी चिपका है, काफी अरसे रहे हैं। तो बोलता यार बात सुनो, अयूब खान बाबा ने बिस्मिल्लाह रहमान ने नहीं पढ़ा था, 10 साल गुजारा है, ये तो आधा सिपाह पढ़ता है, तो 20 साल तो बैठेगा भाई। तो ये भी हुआ, तो आए बंदू के शराजे को नाम ईसा खान गए काम दिखा के आपको बोलूँ पाकिस्तान मेरी मोहम्मद जवल से तो अब पट गए। आप लोगों से इतिहास करूँगा अपनी शफों में जो पेंडी करी, आप लोग आराम से काम करें तो ठीक है, वरना मैं तो इंशाल्लाह मेरा काम दिखा देगा। अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छे हालात उस जमाने में, हंगामा भी हुआ, 3-4 खान लोग क्लासे नूकूफ लिए खड़े हैं। पहले को बोला फिर खाना खराब का बच्चा कौन है, अल्लाह हम बिहारी हैं, बिहारी मार दिए। दूसरे जरा तुम कौन है, कहा हम बिहारी भाई मार दिए। तीसरे को जरा तुम कौन है, कहा हम गूंगे हैं, बोला जाओ जाओ के जबान को क्या मारेगा। सब पुरानी हीरोइन आए हाय, मधुबाला नरगिस मिन्नी क्या गाएं थी, बकरी भूल गई हीरो परेशान हो गया, बोला अभी सही से देख ले पहले पकड़ के दिखा, तेरे बाप के भी हाथ में नहीं आऊंगी। पर ये भी देखिए आप नाक में स्प्रिंग लगा जैसे बोल वैसे इशारे, छू 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 चंदा की चांदनी बुला रही है, कहीं से बोल नहीं आ, भाई के साथ चली गई जैसे बोल रहे थे इशारे। अपने भी धड़के दिल में धड़के, आज की झूठी राम श्रीदेवी आई दिल में धड़के है, यह दिल की पोजीशन बड़ी खराब हो गई। हार्ड भाई बात सुनो, तो हार्ड भाई बात हो गया।